Assalamu alaikum how are you all i hope all of you have listened my lecture on my neighborhood very carefully so students all of you recall their knowledge on my neighborhood and get ready for assessment which is taken by me by asking some questions here i have a four questions for you these are the assessment questions पेरेंट्स आप लोगों ने वन बाय वन बच्चों से ये क्वेश्चंस पूछने अगर बच्चे आपको इन क्वेश्चंस के सही से आंसर दे देते हैं तो दैट्स मीन बच्चों के माय नेबरहुड पर जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है क्वेश्चन नंबर वन है व्हाट इज़ आर नेबरहुड नेबरहुड क्या होता है यह आपने बच्चों से पूछना है क्वेश्चन नंबर टू व्हाट डू यू सी इन योर नेबरहुड आप अपने नेबरहुड में क्या क्या देखते हैं यानी कि आपके नेबरहुड में कौन सी प्लेसेस है वो आपने बतानी है क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट आर नेबर्स नेबर्स कौन होते हैं क्वेश्चन नंबर फू फोर हाउ डू ईच अदर नेबर्स किस तरह से एक दूसरे की हेल्प करते हैं ये फोर असेसमेंट क्वेश्चन है इन शाह तला बच्चे आपको इनके आंसर्स ज़रूर देंगे इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि बच्चे को माय नेबरहुड की सही तरह से समझ आ गई है ओके okay, अब हम आते हैं अपने वर्क की तरफ ओके okay, हमारा जो फर्स्ट वर्क है वो है हमारे वर्ड्स मीनिंग वर्ड्स मीनिंग में हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है नेबरहुड The meaning of the neighborhood is ya Hamsaigi. Second is peaceful. The meaning of the peaceful is aman. Third is deliver. The meaning of the deliver is Taksim Karna Yabantna. Okay, fourth, fourth word is dirty. The meaning of the dirty is. गंदा फिफ्थ एंड द लास्ट वर्ड इज ग्रीन ग्रोसर द मीनिंग ऑफ द ग्रीन ग्रोसर इज सब्जी फ्रोश नाउ वी कम टू आर क्वेश्चन आंसर्स ओके क्वेश्चन आंसर्स में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब हादीस नेबरहुड हादीस के नेबरहुड के बारे में आपने बताना है फॉर द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू प्लीज़ लुक एट द पिक्चर ऑफ हादीज नेबरहुड विच इज़ गिवन इन द बुक अगर आप इस क्वेश्चन question, इन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए इस पिक्चर को देखेंगे तो इन आंसर के डिस्क्राइब तो इन क्वेश्चंस के आंसर डिस्क्राइब करना आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा तो हादी का नेबरहुड कैसा है हादी नेबरहुड इज़ बिग क्लीन एंड हैज़ मैनी ट्रीज हादी का नेबरहुड जो है वो बड़ा है साफ सुथरा है और वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज हैं वट बिल्डिंग आर देर इन हादीज नेबरहुड हादी के नेबरहुड में कौन कौन से बिल्डिंग्स हैं तो ये आपने बताना है अगर इस क्वेश्चन के लिए भी आप पिक्चर को देखेंगे तो बच्चे खुद ब खुद ही बिल्डिंग को बता देंगे तो वहाँ पे कौन कौन सी बिल्डिंग है आप बैंक है पार्क है अ शॉपिंग सेंटर अ हॉस्पिटल अ स्कूल ओके जी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री वट यू कॉल अ प्लेस असर पीपल लिव एंड वर्क टूगेदर वो कौन सी जगह है जहाँ पे लोग रहते भी हैं और मिलकर काम भी करते हैं इसका आंसर है इस कार्ड नेबरहुड उस जगह को जहाँ पे लोग रहते भी हैं और मिलके काम भी करते हैं उस जगह को नेबरहुड बोलते हैं ओके okay, जी नाउ इज द टर्न ऑफ आर वर्कशीट सो यू कैन सी द मैनी पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट प्रोफेशन इन दिस वर्कशीट ओके फर्स्ट पिक्चर इज द बस ड्राइवर वट इज़ द जॉब ऑफ द बस ड्राइवर ड्राइव्स द चिल्ड्रन टू स्कूल बच्चों को स्कूल ले कर जाना और ले कर आना यह बस ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नेक्स्ट इज डॉक्टर वट इज़ द जॉब ऑफ द डॉक्टर टेक्स केयर ऑफ सिख पीपल सिख होते हैं बीमार लोग बीमार लोगों का ख्याल करना उनकी देखभाल करना उनका ट्रीटमेंट करना यह डॉक्टर की जॉब होती है इसके बाद नेक्स्ट है पोस्टमैन वट इज़ द जॉब ऑफ द पोस्ट मैन द जॉब ऑफ द पोस्टमैन इज़ टू डिलीवर लेटर टू पीपल लोगों को उनके लेटर उनके घरों तक जाकर देना ये पोस्टमैन की जॉब होती है नेक्स्ट इज टीचर वट इज़ द जॉब ऑफ द टीचर टीच इज़ द स्टूडेंट स्टूडेंट्स को पढ़ाना बच्चों को पढ़ाना ये टीचर की जॉब है नेक्स्ट इज ग्रीन ग्रोसर जैसे कि आपको इसका मीनिंग पता है ग्रीन ग्रोसर का मीनिंग होता है सब्ज़ी बेचने वाला तो इसी तरह से इसकी जॉब भी यही है ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बेचता है इन द लास्ट इज रोड क्लीनर वट इज़ द जॉब ऑफ द रोड क्लीनर कीप्स द रोड क्लीन रोड्स को क्लीन रखना साफ सुथरा रखना ये रोड क्लीनर की जॉब होती है इसके साथ ही हमारे यूनिट नंबर वन का लेसन नंबर वन जो है वो फिनिश हो जाता है